अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। इशाल सोए भी है, इल्हाम और मैं अभी तक जाग रहे हैं। भाई की फ्राइडे को छुट्टी होती है, इसलिए रमीज रात में ले आते हैं भाई को, और फिर दूसरे दिन जब वो काम पे जाते हैं तो भाई को ड्रॉप कर देते हैं। दोपहर में 1 बजे हम लोग उठे हैं, ब्रेकफास्ट बन रहा है, साथ में राइस भी रख दिए मैंने। तो भाई और रमीज दाल चावल खाएंगे और हम लोग इशाल और मैं ब्रेड एंड बटर और साथ में चाय। जब तक खाना गर्म हो रहा था मैंने सैलड बना ली, साथ में जो फ्रूट्स थे वो भी काट लिए, क्योंकि शाल तो स्कूल जा रही नहीं है तो उसके सारे फ्रूट रख के ख़राब हो रहे थे, तो मैंने बोला इनको तो आज ख़त्म करूँ मैं। बॉक्स आ गया है कार्गो का, आज उसको पैक करना है, रात में ले आए थे रमेश। अभी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ओके, गिव मी दाल चावल, ब्रेड एंड बटर और चाय। खाना खाने के बाद हम लोग ने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और जो सामान मैंने नहीं यूज़ करना है वो ही मैंने इसमें डाला है। हमने ये डिसाइड किया है कि जो सामान यहाँ पे बिक जाता है उसको सेल कर देंगे, और जो नहीं बिकेगा उसको हम कार्गो कर देंगे, और बाकी का जो नहीं चाहिए, जो मतलब टूटे फूटे चीज़ें हैं, वो हम यहीं छोड़ देंगे या फिर चैरिटी में डाल देंगे। मैं जब ये लोग को शावर दे रही थी तो भाई और रमीश तो चले गए थे, अब ये लोग भी तैयार बैठे हैं जाने के लिए। ओह माय गॉड, यस मामा की जान है आप। इशाल का जब से स्कूल छूटा है तब से ये दोपहर में तो सोती नहीं है, तो बस 4:30 बजता है तो ये घर से बाहर निकल जाती है और सीधा ये लोग अपने सारे फ्रेंड मिलके ये मस्जिद में आके खेलते हैं, और यहाँ पे आके बाल भिगाते हैं, पानी के साथ खेलते हैं, इतनी आवाज़ें करते हैं। मैंने बोला किसी दिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है ना वो आके चिल्लाएगा, तुम लोग को मार के भगाएगा। आज भी हमको डायपर नहीं पहनाया, अभी जा रहे हैं प्रिंटिंग शॉप पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने हैं। हमने पिपी कर दी है पैंट में, और उसको मुझे ऐसे ही गोद में उठा के लेके आना पड़ा, मेरे भी कपड़े इसने गंदे कर दिए। अभी 2-3 दिन तक ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी इसको प्रैक्टिस होगी। अभी ग्रोसरी जाके भी आ गए, ब्रेड भी ले आई हूँ मैं, बेकरी भी गई थी वहाँ से वहाँ ले लिए मैंने, और इशाल अभी तक आई नहीं है, उसका वेट करते हैं। इशाल तो अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी तो मैं ऊपर आ गई, फिर थोड़ी देर के बाद इशाल घर पर आई है, तो मैंने सोचा आज मैं कैबिनेट से सारा सामान निकाल के एक तरफ कर देती हूँ, बाकी के जो कपड़े वो तो ऑलरेडी कार्गो में डाल दिए हैं, अभी जो बस थोड़े से कपड़े रखे हैं पहनने के लिए और ईद वगैरह के लिए, तो वो सारे एक साइड में कर देती हूँ, रमीज़ के, मेरे, इशाल के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे सामान का ऐड दे दिया है फेसबुक पे, तो कुछ लोग आ भी रहे हैं देखने के लिए, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता पूरा सामान देखें, इसलिए मैं एक साइड में कर देती हूँ और बाकी का सब कुछ खाली कर दूँगी आज। साथ साथ में जो सामान नहीं चाहिए, जो दूसरे कार्गो में डालना है, वो मैंने निकाल के अलग बैग में रख दिया है। मेरे पूरे मेकअप सेट पे मार्कर लगा दिया है, अब ये पता नहीं छूटेगा भी कि नहीं। नेल पॉलिश रिमूवर से ट्राई करती हूँ। चलो इतना तो साफ हो गया, थोड़े से हैं अभी भी, वो नहीं जा रहे हैं।
कैबिनेट तो मेरा सेट हो गया है, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल के कार्गो के लिए एक बैग बना के रखा है, जो नेक्स्ट कार्गो करेंगे उसमें डालेंगे हम लोग। और यहाँ से मैंने ड्रॉ में से भी सारी चीज़ें निकाल ली हैं, अब इशाल और इल्हाम के ड्रॉ में से सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट करनी है। इल्हाम जैसे ही सो के उठती है उसको मैं बाथरूम में लेके जाती हूँ टॉयलेट कराने के लिए, लेकिन वो बहुत रोती है तो मैं उसको ना अकेला छोड़ के बाहर आ जाती हूँ। जब मैं बाहर आ जाती हूँ तो वो टॉयलेट कर लेती है, थोड़ी देर रोती है लेकिन बाद में सही हो जाती है। अभी मैं इन दोनों के सॉक्स, पैंटीज, इनर्स, इनको सॉर्टेड आउट कर रही हूँ। जो भी इसमें से पुराने हैं, छोटे हो गए, वो निकाल दूंगी, बाकी जो लेके जाने हैं वो साइड में रख लूंगी। अभी जाके सारे कपड़े सॉर्टेड आउट हो गए हैं। इल्हाम के जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो भी निकाल दिए मैंने, तो ये सारे जाके मैं चैरिटी में डाल दूंगी, पूरे 3 बैग भर के निकले। साथ में इशाल के स्कूल का न्यू यूनिफॉर्म था वो भी मैंने इसी में डाल दिया। दोनों अपने कामों में बिजी हैं, इशाल कुछ बना रही है और इल्हाम कलरिंग कर रही है। ये इल्हाम ने कलरिंग की है। इल्हाम को आज पूरा दिन डायपर नहीं पहनाया था, सिर्फ सोने से पहले पहनाया था रात में, तो उसने 2 बार तो पॉटी करी है, 3-4 बार उसने पीपी करी है, तो बार बार मुझे क्लीन करना पड़ रहा है। वाओ, इशाल न्यू आईफोन, वेरी नाइस। इल्हाम को देखा है कैसे बॉक्स के अंदर घुस के टीवी देख रही है। सुबह के 5 बज रहे हैं, रमीज आ गए हैं, उनके लिए खाना गर्म कर रही हूँ। इल्हाम अभी तक नहीं सोई है, विशाल सो गई है 3 बजे की, ये नहीं सो रही कहीं से, तबीयत भी नहीं सही है, बुखार चढ़ा इसको, खांसी भी बहुत है, लेकिन बाज नहीं आ रही खेलने से। सारे मसाले निकाल के फेंक रही है, ये रोज के काम है इसके। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।